हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत है वन क्यू गेमिंग की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारा आई थिंक आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का 14वां पार्ट है। तो भाई लोगों, जिन्होंने भी हमारी अभी तक आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के पुराने पार्ट नहीं देखे, तो गाइस आप लोग हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो लिटरली गाइस, काफ़ी गजब की प्लेलिस्ट बनाई है हमने आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की। तो गाइस, आज का वीडियो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम टेम करने वाले इक्वेस को। एंड इसलिए गाइस, आज मेरे को पता चलेगा कि पैसिव टेम करना किसी भी क्रिएचर्स को कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड गाइस, इसको टेम करने में एटलीस्ट मेरे को 4 से 5 घंटे लगे, फिर भी वो टेम हुआ या नहीं हुआ तो गाइस वो तो आपको वीडियो का लास्ट में जाके पता चलेगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी गाइस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दोबारा से हंटर केव में। केव में गाइस मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरे को गाइस बनाना है आप लोग, क्योंकि गाइस आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि यार भाई पैटर्नोडॉन टेम कर, हमें पैटर्नोडॉन की टेम की वीडियोस देखनी है। तो गाइस मैं वही सोच रहा था कि आज की वीडियो में एटलीस्ट यार मैं पैटर्नोडॉन टेम करूंगा, तो उसके लिए गाइस मेरे को हाई लेवल का पैटर्नोडॉन चाहिए कि एटलीस्ट यार वो पूरा मैप में कवर कर सके बिना रुके। तो उसके लिए गाइस मेरे को जाना पड़ेगा रेडवुड या फिर स्वयं एरिया में जहाँ पे गाइस लेक होती है ना, तो वहाँ पे आपको गाइस काफ़ी अच्छे हाई लेवल के पैटर्नोडॉन मिलते हैं। तो आपको गाइस उनका लेवल चेक करने के लिए स्पाई ग्लासेस चाहिए होगा, जिसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए क्रिस्टल। तो गाइस क्रिस्टल तो हमें केव में ही मिलता है, तो वो चीज़ तो गाइस नोटिस कर लीजिए। तो इसलिए गाइस मैं केव में आया हूँ। वैसे गाइस वाल्केनो में मिलता है, पर वाल्केनो गाइस मेरे लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड वहाँ पे पहुँचने तक गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तो मैंने सोचा यार चलो हंटर केव में चलते हैं एंड साथ के साथ हम आर्टिफैक्ट भी रिकवर कर लेंगे, आई मीन आर्टिफैक्ट को भी हंट कर लेंगे। देखते हैं गाइस कि वहाँ पे से हमें स्मूथिंग बाम मिलता है या नहीं मिलता जब हम आर्टिफैक्ट को ट्रिब्यूट करते हैं। तो देखते रहिए गाइस। चलो ऑलमोस्ट मेरे पास गाइस सफिशिएंट क्रिस्टल तो हो ही गया होगा, तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, फटाफट से चलते हैं केव के अंदर एंड वहाँ पे आर्टिफैक्ट रिकवर करेंगे, आर्टिफैक्ट हंट करेंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने आर्टिफैक्ट हंट तो कर लिया है। तो गाइस जब मैं यहाँ से बाहर जा रहा था, मेरे को यहाँ पे गाइस कुछ मेटल रॉक्स दिखे, तो मैंने सोचा यार मेटल रॉक्स के लिए अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हो रही है, यहाँ पे मैं केव में आया हूँ एंड साथ के साथ गाइस मैं अपने साथ मेटल रॉक्स भी ले जा सकता हूँ। तो गाइस जैसे मैं मेटल रॉक्स ले जा रहा था अपने साथ एंड जो मेरा ड्रॉप आउट लेवल था, वो गाइस हमेशा जब भी मैं केव में आता हूँ तो मेरे साथ हमेशा यही होता है। तो देखना गाइस कि अभी मैं बेहोश पड़ जाऊँगा यहाँ पे। तो बूम गाइस, तो पता नहीं गाइस मेरे साथ ये हमेशा क्यों होता है कि मैं जब भी केव में जाता हूँ, जैसे लोग मैं अपने पहले भाई लोगों के साथ खेलता जो कि गुजरात से थे, तो उनके साथ भी गाइस जब भी मैं केव में जाता था मैं 100% गाइस हमेशा अनकॉन्शियस होता था। चलो गाइस चलो वो तो छोड़ो बात, अभी तो सोलो है गाइस, अभी कुछ कर नहीं सकते। अगर अनकॉन्शियस हो भी गए तो कोई हमें बेरिस खिला के हमारा अनकॉन्शियस लेवल कम तो नहीं करने का। तो यहाँ पे गाइस मेरे को साथ के साथ यहाँ पे 2 मेटल रॉक्स और दिख चुके थे, तो मैंने सोचा यार फटाफट से इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा था यार कि मैं स्पाई ग्लासेस इतने क्रिस्टल में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। फिर मैंने गाइस डिसाइड करे कि यार एटलीस्ट यार अपने इनगेस्ट में जाके उसको अनलॉक करके चेक कर लेते कि हमें उसको बनाने में स्पाई ग्लासेस को बनाने में कितने क्रिस्टल लगेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से ऐसे करते हैं, अपने इनग्रीस में चलेंगे एंड चेक करेंगे कि कितने क्रिस्टल लगने वाले हैं हमारे स्पाइक ग्लासेस को बनाने के लिए। तो आई थिंक गाइस 5 या 6 क्रिस्टल तो लग ही जाएंगे। तो नहीं गाइस, यहाँ पे हमें कितने क्रिस्टल लग रहे हैं, ओनली 2 क्रिस्टल। गाइस मज़ा आ गया, आई थिंक 18 क्रिस्टल मेरे पास है, तो यार काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो चलिए गाइस ऐसे ही करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपने इचेतोसोरस के पास, अपने फ्लिपर के पास एंड वहाँ से गाइस सीधा निकलेंगे हम रेड ऑब्सिलिक्स में। तो चलिए गाइस ऐसे करते हैं, फटाफट से निकलते हैं रेड ऑब्सिलिक्स में एंड देखते हैं यार, भगवान से मैं दुआ करूंगा यार एटलीस्ट मेरे को स्मूथिंग बाम तो मिल जाए, क्योंकि गाइस मेरे को इक्वस टेम करना है एंड इक्वस टेम करने में लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो मैं सोचूंगा यार एटलीस्ट एक बार इसको टेम करेंगे हम स्मूथिंग बाम देके। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ रेड ऑब्सिलिक्स में एंड चलो गाइज करते हैं अपना आर्टिफैक्ट को ट्रिब्यूट। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने अपना आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट तो कर दिया है, एटलीस्ट यार स्मूथिंग बाम दे दे, स्मूथिंग बाम स्मूथिंग बाम स्मूथिंग बाम।
तो गाइज यहाँ पे जो मेरी किस्मत थी वो बहुत ही ज़्यादा फटीचर किस्मत थी, मेरे को सिर्फ गाइज ब्लू प्रिंट्स मिले एंड एक फिशिंग रोड। यार फिशिंग रोड मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को फिशिंग तो करनी नहीं क्योंकि मैं डायनासोरस का मीट खा के ही सफिशियंट खुश हूँ। तो चलिए गाइज वो छोड़ो, चलो आप फटाफट से निकलते हैं अपने बेस में। तो गाइज यहाँ पे मैं जैसे ही अपने बेस के पास में आया तो गाइज यहाँ पे मेरे एक और मॉस्टॉप को जेलीफिश ने मार दिया है। पर गाइज जैसे ही उन्होंने जेलीफिश ने मेरे मॉस्टॉप को पकड़ा तो मेरे जितने भी ज़्यादा क्रिएचर्स थे गाइज वो इन जेलीफिश को मारने के लिए आ चुके थे। तब तक गाइज मैं भी अपने बेस में आ गया था, तो मैंने गाइज यहाँ पे अपने और डायनासोरस को मरने से बचा लिया। तो गाइज अब मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी डायनासोरस हैं ना गाइज जब बेस में रहेंगे तो इनको पैसिव करेंगे। अगर गाइज हम यहाँ पे से कहीं बाहर निकलते तो उस टाइम पे गाइज हम इनको करेंगे क्या, अटैक द टारगेट। तो चलिए गाइज अब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो हमें करना क्या है गाइज, अब जाएंगे हम सीधा सो जाएंगे एंड मॉर्निंग में देखेंगे गाइज कि हम इक्वस को टेम करें। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मॉर्निंग में आ चुका हूँ। तो आप लोगों को गाइज सबसे पहले तो मैं अपनी ट्राइसेराटॉप्स की इन्वेंट्री में दिखा दूँ गाइज कि कितने सारे मेरे में रॉक कैरेट्स भरे पड़े हैं। तो गाइज अभी तक मैंने 30 रॉक कैरेट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं, तो गाइज कुछ देर बाद हम ऐसे ही करेंगे 35 रॉक कैरेट्स हो चुके हैं। तो आई थिंक गाइज जो हमारा इक्वस है वो ईजिली टेम हो जाएगा। तो चलो गाइज अब ऐसे करते हैं, हम इक्वस को टेम करने वाले हैं। तो गाइज बूम बम मजा करते हैं। तो यहाँ पे से गाइज हमसे एक्वस कितने किलोमीटर दूर है, आई थिंक गाइज 400 मीटर्स दूर है। तो मैं ऐसे करता हूँ अपने ट्राइसेराटॉप्स को भी अपने पीछे पीछे बुला दूंगा। पर गाइज जैसे मैं अपने ट्राइसेराटॉप्स को लेके एक्वस के पास जा रहा था तो गाइज मेरे पीछे पड़ गए थे यहाँ पे रैप्टर। तो रैप्टर से मैंने गाइज पीछे कैसे छुड़ाया तो आप लोग देखते रहिए गाइज, तब पता चलेगा कि आपको मैंने रैप्टर से पीछा कैसे छुड़ाया। एंड यहाँ पे गाइज डिलोफोसोरस भी मेरे पीछे पड़ चुका है। यार यहाँ पे तो क्रिएचर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के पीछे पड़ने वाले हैं। तो देखिए गाइज पहला अटैक आ चुका है यहाँ पे रैप्टर का, कहाँ है अभी तक, देखो गाइज आ गया रैप्टर। तो गाइज जैसे मैंने रैप्टर को देखा यहाँ पे गाइज मेरी तो फटके चार हो चुकी थी एंड यहाँ पे रैप्टर से गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगा। तो मैंने सोचा यार चलो सबसे पहले तो यहाँ से रैप्टर से लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाते हैं। एंड मेरे पास गाइज एक बोला था, तो एटलीस्ट यार बोला आप लोग हमेशा अपने साथ रखना, क्यों ना गाइज कब कहाँ और किसको ज़रूरत पड़ जाए। तो गाइज इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ 3 से 4 बोला वेपन्स तो एटलीस्ट रखता ही हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने इस रैप्टर को मार दिया एंड यहाँ पे देखते हैं गाइज कि इस रैप्टर से हमें मिलता क्या है। तो यहाँ पे से तो गाइज कुछ नहीं मिला इस रैप्टर से। तो चलो गाइज फटाफट से हम ऐसे करते हैं इक्वस को ढूंढते हैं। वैसे गाइज यहाँ पे मैं अपने पास क्या रख देता हूँ, थोड़ा सा मिजो बेरीज रख देता हूँ क्योंकि गाइज जो मेरा फूड लेवल है अगर कम होता है तो एटलीस्ट यार मैं अपना फूड लेवल जो है वो मिजो बेरीज से इंक्रीज कर लूँगा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरे को इक्वस तो दिख चुका है, तो चलो गाइज इसमें बैठते हैं एंड रॉक कैरेट खिलाते हैं गाइज। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने एक रॉक कैरेट तो खिला दिया एंड थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज इसको भूख लगने का। जैसे इसे भूख लग जाएगा तो फिर से गाइज इसको हम एक रॉक कैरेट और खिला देंगे। तो देखते हैं गाइज कि इसे भूख कब तक लगता है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे इसे फीड रॉक कैरेट, तो चलो गाइज ऐसे करते हैं रॉक कैरेट फीड कराते हैं इसको, करा दें। तो ओ खिला तो दिया गाइज यहाँ पे से, मैं नीचे कैसे उतर गया मेरे समझ में नहीं आया गाइज, आप लोग बताना यार नीचे कैसे उतर आइए। फिर नीचे उतर गया, दो बार नीचे उतर सकूँगा गाइज। जैसे मैं नीचे उतर रहा हूँ तो इसका जो टेमिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे 21% था, अब यहाँ पे 17 हो गया है। अरे भैया ऐसा क्यों गाइज, चलो थोड़ा सा वेट और करते हैं, सब भूख लगने देते हैं एंड दोबारा से गाइज इसको रॉक कैरेट फीड कराएंगे एंड देखते हैं कि चलो गाइज यहाँ पे रॉक कैरेट खिला दें। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे मैंने रॉक कैरेट तो खिलाया एंड यहाँ पे 4 का टाइमिंग इफेक्ट पड़ रहा है, चलो फिर से खिलाते हैं। अब ओ क्या हुआ गाइज यहाँ पे, आई थिंक गाइज इसने मेरे को धोबी पछाड़ मार दी है, धोबी पछाड़ मारी गाइज इसने। तो चलो ऐसे करते हैं दोबारा से होश आने का वेट करते हैं। एंड गाइज जैसे मेरे को यहाँ पे होश आया जो एक्वस था वो यहाँ पे सब भाग चुका था। तो एंड यहाँ पे भी रात भी गाइज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड करा अभी तो मेरे को कहीं जाना नहीं है, यहाँ पे बैग लगाऊंगा एंड यहाँ पे ही सो जाएंगे एंड उसके बाद गाइज सीधा मिलते हैं हम आपको मॉर्निंग में। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मॉर्निंग तो हो चुकी है एंड मैं दोबारा से पहुँच चुका हूँ इक्वस के पास में। एंड गाइज दोबारा से इसको ट्राई करते हैं इसको टेम करने का एंड देखते हैं गाइज कि अब तो टेम हो ही जाएगा एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो फाइनली गाइज जैसे मैंने इसे एक रॉक कैरेट कराया तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट आ चुके हैं एंड जो कि गाइज इक्वस को टेम तो करने देंगे नहीं मेरे को। तो फिर भी गाइज ट्राई कर लेते हैं एटलीस्ट यार,
पर यार क्या हो रहा है, नीचे क्यों कूद रहा है बे? तो छोड़ो गाइस, यहाँ पे अभी इसको हम टीम नहीं करेंगे क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है जो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो इसको गाइस यहाँ पे हम टेम नहीं करने वाले हैं, इसको हम दूसरी लोकेशन में देखेंगे कहीं पे हमें मिलेगा। तो ऐसे करते हैं गाइस, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। नहीं गाइस, ये तो ये इनवर्टिब्रेट ना गाइस मेरे को ही मार देंगे यहाँ पे, तो मैं छोड़ देता हूँ गाइस एंड अपना ट्राइसेराटॉप्स लेके निकलता हूँ दूसरी जगह में। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से पहुँच चुका हूँ। अब तो गाइस आई थिंक मैं यहाँ पे टेम कर लूँगा एंड जो मेरा वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी हो गया है। तो फटाफट से गाइस मैं ऐसे करता हूँ, पानी पीता हूँ एंड इसको टेम करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरे को इक्वस मिल चुका है एंड अभी तक गाइस मेरे को पता नहीं मैं बार बार नीचे क्यों कूद रहा हूँ। तो चलो गाइस फटाफट से इसको फीड कराते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब जाके मेरे को पता चला था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को गाइस जैसे इसमें फीड रॉक कैरेट का ऑप्शन आता है आपको वहाँ पे खिलाना नहीं है गाइस, क्योंकि अगर आपने उसी टाइम गाइस इसको खिला दिया तो आप इससे नीचे उतर जाओगे एंड डेफिनेटली गाइस इसका जो टेमिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो गाइस आपको इसको खिलाना कब है, तो जैसे गाइस इसमें फीड रॉक कैरेट्स का ऑप्शन आता है तब तक गाइस जब तक ये आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा ना तब तक आपको फीड नहीं कराना। जैसे गाइस ये उछलने लग जाएगा तो एग्जैक्ट सेम पॉइंट गाइस आपको इसको फीड करा देना है। तो गाइज़ यही ज़्यादा आप लोगों को बताना था मेरे को, क्योंकि गाइज़ मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ एंड गाइज़ जब मेरे को समझ में आया कि मैं यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूँ तब मेरे पास रॉक कैरेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरे पास 30 थे, दूसरे बार भी 30 थे एंड तीसरे बार भी गाइज़ 30 हैं। फिर गाइज़ यहाँ पे देखो एंड यहाँ पे तो टेमिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका एंड गाइज़ गलती से मैं यहाँ पे इससे नीचे उतर जाता हूँ। जब मैं नीचे उतरता हूँ गाइज इसका जो टेमिंग इफेक्ट इसको पड़ता है ना वो 4 का पड़ता है। यार 4 को टेम करने के लिए तो मेरे को 30 प्लस रॉक कैरेट्स तो चाहिए ही चाहिए एंड मेरे पास गाइज कितने यहाँ पे 24। इम्पॉसिबल है गाइज इसको टेम करना। फिर भी गाइज ऐसे करते हैं, ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, फीड रॉक कैरेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे गाइज ये जंप करने लगा वैसे ही खिलाता, पर गाइज यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका है एंड इसका टेमिंग इफेक्ट गाइस इसको कभी ना कंसंट्रेट होकर टेम करना पड़ेगा। अगर बिना कंसंट्रेट होकर टेम करेंगे ना तो ये टेम नहीं होगा। तो गाइस फिर से धोबी पछाड़ पड़ी एंड दोबारा से बियोस हो चुका हूँ मैं। अब देखते हैं गाइस कि होश आने के बाद इसको टेम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो गाइस प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा नए गेम्स अब ट्राई करने वाले हैं एंड गाइस मे बी इन फ्यूचर हम यहाँ पे इसी चैनल में आर्क पीसी को भी कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हो गाइस कहाँ 68 कहाँ 40 एंड मेरे पास रॉक कैरेट भी देख सकते हो गाइस 20%। अगर यहाँ पे 3 का भी इफेक्ट पड़ेगा यार 60, अगर एक बार गिर गया तो मिशन ख़राब। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये, तो वो देखते हैं गाइस थोड़ा सा जंप करने देंगे। जैसे ये जंप करेगा इसको गाइस सीधा हम फीड करा देंगे। अरे भाई जंप कर ले, भूख नहीं लग रही गाइस इसको। मेरे ख्याल से उस टाइम काफ़ी अच्छा भूख फूड लेवल चल रहा होगा। आई थिंक इसका जो फूड लेवल है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है गाइस, तभी ये जंप्स वगैरह नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे गाइस मेरा जो है ना क्या बोलते हैं मेरा फूड लेवल वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, तो मैंने सोचा यार चलो इसके ऊपर बैठ के बेरीज खा लेते हैं। पर गाइस जैसे ही मैंने बेरीज खाना स्टार्ट करा तो मुझे पता नहीं था वो बेरीज इसको फीड करने लग गया। गाइस एकदम झांडू किस्मत। तो गाइस यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मैंने डिसाइड करा कि अब तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो फाइनली गाइस जैसे ही मैं इसमें एरो चलाने लगा तो आप देखना भाई इसको एरोज़ का भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। तो गाइस जब एरोज़ का डैमेज नहीं पड़ रहा था तो मैंने उसके पास स्पीयर पकड़ा, स्पीयर का भी इसको डैमेज नहीं पड़ रहा। अबे भाई इसको डैमेज पड़ेगा तो किसका पड़ेगा, कुछ तो बताओ कोई। एंड गाइस उसके बाद अपन एक्स मारने लगा है यार, एटलीस्ट इससे तो पड़ेगा। मेरे गाइस इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मैं सोच रहा था इसको तो अब मार के रहूँगा, पर गाइस ना ये मरता ना इसको डैमेज होता ना ये अनकॉन्शियस होता। अबे होता तो होता क्या है ये, एटलीस्ट मेरी गाइस खोपड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको तो मेरे को मारने का मन कर रहा है। अरे भाई तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गाइज आप लोगों के लिए हम आर्क सर्वाइवल इवॉल्व एंड लास्ट डे रूल सर्वाइवल की वीडियोस रेगुलर लाने का कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे गाइज मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने सोचा यार अपन से नहीं होगा, मे बी गाइज इसको हम स्मूथिंग बाप से अब ट्राई करेंगे टेम करने का, जो कि मे बी नेक्स्ट डे या फिर डे आफ्टर डे आ सकता है वीडियो। तो चलिए गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।